हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज है जितिया का, आज की ले जितिया का, आज जितिया का उपवास है। कल संजोत था और जितिया पर्व हमारे झारखंड में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। और झारखंड के अलावा यूपी, बिहार, नेपाल, बहुत सारे राज्यों में मनाया जाता है। लेकिन जितिया पर्व का एक खासियत भी है और हम अपना दादी से पूछते हैं कि क्या क्या है। की है इसको गीत तक जितिया करमा भारी गिदर बुतरुलिया मने करी गो। जितिया करमा भारी मरर मुर्दार उठाई डका फारी गो। जितिया करमा भारी। तो दोस्तों, ये जितिया पर्व का गीत है। और जितिया पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं कि अपने बच्चों के लिए, सुख शांति के लिए। दादी लोग को उतना पता नहीं, बट हम थोड़ा पता किए हैं कुछ दिनों से कि जितिया पर्व हम लोग अपने बच्चों के लिए, सुख शांति के लिए और के दीर्घ आयु के लिए, और हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मनाते हैं। तो हमारी मम्मी भी कर रही है हम लोग के लिए। तो दोस्तों दिखाते हैं कि मम्मी अभी क्या कर रही है। तो ये हमारी मम्मी है और ये उपवास है, पूरा दिन निर्जला बिना पानी पिए उपवास की है। और अभी हल्दी पीस रही है पूरा पर्व के तैयारी के लिए। शाम को डायर पूजा होगा। तो अभी क्या पीस रही है मम्मी? हल्दी। और इससे पहले क्या पीसी? गुड़ी। तो वो सब क्या क्या काम आएगा? सब डायर पूजा में काम आएगा। डायर पूजने का काम आएगा ना? तो डायर यही पूजाएगा गाइस हम लोग का आंगन में। तो दिखाएंगे आप लोग को। तो अभी जाते हैं आँख उपारने, जो हम लोग का गाड़ते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमारे बाड़ी में ही है आँख, देख सकते हैं ईक का पेड़ है और यही हम लोग डायर गाड़ते हैं। और बाड़ी में ही लगाए थे तो 4-5 यहाँ पे है, तो काफ़ी पैसा बच गया, नहीं तो सुबह मार्केट जाके लाना पड़ता हम लोग को। तो ये हमारे बाड़ी में है और कैमरामैन। तो दोस्तों आज से इसको रखे हैं कैमरामैन मेरे लिए। तो कैमरामैन पकड़ो, 3 गो या 5 गो नहीं तो 5 गो। जय भोलेनाथ, सब उठी जाओ एक के बार। तो दोस्तों देख सकते हैं पीहू आ गई है। पीहू मेरा हेल्प करो। अभी नहीं, अभी हम छोटे बोल। क्या खा रही है? बोला अभी हम छोटे बोल। चल फिर अब बाबा है रोपा लो सीधा। मोर लो कर गिला मैं। तो दोस्तों जा रही है मम्मी नहाने तालाब, और नहा के आएगी तालाब से, उसके बाद डायर पूजेगी ना मैं। चलो बेटा लोग नहीं। और हम लोग छोटा रहते थे तो खीरा को ऐसे पार करती थी मुंडी के पीछे से और हम लोग लौटते थे। छोटा में बहुत ज़्यादा जाते थे, अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। और इस डाली में क्या क्या रखी? सिंदूर है, गुड़ी है, चावल है, दतवन, खीरा, हल्दी तेल, अगर यदि आंकुर है बांधता होता ही जो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये धान फूल है, इससे भी पूजा करते हैं। और कितना डाली में सामान, बहुत तरह का चीज पड़ता है इधर पूजा करने के लिए। और कीटा चिरचिटी नहीं पहले। और देख सकते हैं उधर आंख सब रखे हैं। तो दोस्तों जितिया पर्व का कहानी ये है कि कुछ सालों पहले, मतलब एक पाकर का पेड़ रहता था, उसके नीचे सियारनी रहती थी एक ठो और ऊपर में एक ठो गिद्ध रहता था। तो पाकर के पेड़ के पास कुछ औरतें पूजा करने आती थी जितिया पर्व के दिन। तो वो लोग देखी कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वो लोग पूजा कर, मतलब वो लोग जितिया पर्व कर रहे थे। तो दोनों ने डिसाइड किया, सियारनी ने और गिद्ध ने, कि चलो हम लोग भी ये पर्व करते हैं। तो उस दोनों ने पर्व किया और
उसी दिन पास के गांव में एक ठो आदमी मर गया, और मर गया तो उसको जलाने के लिए उसके मतलब वही पेड़ के आसपास ही जला दिया। तो सियारनी को रहा नहीं गया और उस ला मतलब उस बॉडी को थोड़ा बहुत खा लिया, और गिद्ध पूरे मन से परों को कंप्लीट किया। फिर उन लोगों ने एक दूसरा जन्म लिया और दोनों बहन बन गई, और दोनों बहन बन गई। और उसके बाद ये दोनों बहन बन गई, उसके बाद फिर दोनों बहनों का बड़ी होने के बाद शादी हो गया, और शादी होने के बाद गिद्ध के जो बच्चे हैं वो लोग पूरा स्वस्थ हुए, और 7 बच्चे हुए उसके। और सियारनी का फिर बच्चा हुआ, तो सियारनी का बच्चा सब मर जाता था, तो गिद्ध ने बोला कि चलो जीतवाहन मतलब सियारनी का बच्चा मर जाता था तो उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरा बहन के बच्चे बच क्यों रहे। तो फिर उसने वो राजा की बीवी थी, तो राजा राजा को बोला कि उसके बेटे लोग को मार दिया था, तो 7 बेटे को मार दिया। उसके बाद जीतवाहन भगवान ने उसके बेटे लोग को मिट्टी का माथा बना के और उसमें जान डाल दिया अमृत डाल के। तब से जी मतलब जितिया पर्व किया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारा कहानी है, और 2 ठो कहानी है, तो दूसरे ई में बताएंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे। और आपको जानना है तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, तो वो देख लीजिए। आए तो दोस्तों जितिया पर्व संपूर्ण हुआ, देख सकते हैं जी दायर और पूजा हो गया है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए भाई को। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।